सैयदना सुलेमान इब्ने दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़ी यूनिक पर्सनालिटी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बनी इसराइल को दूसरा उरूज नसीब हुआ था, जिसके बाद टेंपल ऑफ सुलेमान यानी हैकले सुलमानी तामीर हुआ यरूशलम में, जिसे ईलिया भी कहा जाता है, बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, यरूशलम भी। और वो हैकले सुलमानी 70 ईस्वी में सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलातो सलाम के रफ़ाए समावी के आलमोस्ट 35 साल के बाद टाइटस ने हमला करके तबाहु बर्बाद कर दिया था। सिर्फ उसकी एक दीवार इस वक्त बाकी है, जिसे वेलिंग वाल कहते हैं, दीवारे गिरिया, जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि यहूदी यूं तो रात पकड़ के उसके सामने यूं यूं पड़ रहे होते हैं, उस एक दीवार के सामने। और ये हैकले सुलेमानी की वो बच जाने वाली दीवार है, और जाहिर है कि इनकी ये ख्वाहिश है कि हम दोबारा से उस हैकल को तामीर करें। और उनका ये दावा है कि ये बैतुल मक़दिस में जो मुसलमानों ने बाद में मस्जिद अक्सा बना ली थी, इसके नीचे जो है वो हमारा ताबूत सकीना भी दफन हो गया है, उसके लिए भी वो साजिशें करते रहते हैं। ताबूत सकीना के ऊपर मेरी वीडियो अलग से रिकॉर्डेड मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बाल सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है बनी इसराइल की हिस्ट्री में, और कुरान हकीम में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बारहा मुख्तलिफ जगहों पर हुआ है। आ चुके ये तख्ते बिल्किस वाला वाकया, इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फसाइज करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आपको बता दूं कि सूरह सबा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, क्योंकि कौम सबा का एक वाकया है मलका बिल्किस वाला, जो सूरतुन नमल में मौजूद है। सूरह सबा के अंदर जिक्र आया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख़र कर दिया था, उनकी सुबह की मंजिल एक महीने के बराबर होती थी और शाम की मंजिल एक महीने के बराबर, यानी वो अपने तख्त समेत हवा पे उड़ते थे। एक महीने की मुसाफत वो एक सुबह में तय कर लेते थे और एक शाम में वो एक महीने की मुसाफत तय कर लिया करते थे। और उसी में जिक्र है कि जिन्नात को मुसख्खर किया था अल्लाह ने उनके लिए, उनके हुक्म से वो कले बनाते थे, मुजस्मे बनाते थे और मुख्तलिफ किस्म की तामीरात करवाया करते थे। और फिर उसी सूरह सबा के अंदर जिक्र मौजूद है कि एक तामीर के दौरान ही, अभी तामीर मुकम्मल होना रहती थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आ गया, तो वो एक लाठी के सहारे खड़े हो गए, कुरान पाक में आता है सूरह सबा के अंदर। और उसी हालत में अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अब चूंकि वो एक बैलेंस फॉर्म में लाठी को सहारा लिए हुए बैठे थे, कुर्सी पर बैठे हुए होंगे यूं करके, तो उनका जिस्म यूं ही रहा काफ़ी अरसे तक, वो रहा और इतना ज़्यादा अरसा कि कुरान पाक में आता है कि दीमक जो कीड़ा है उसने उस लाठी को चाटा, तो ज़ाहिर दीमक एक दिन में तो नहीं चाटती, और हत्ता कि वो जब सारा चाट लिया तो वो लाठी टूट गई, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पे आ गया। तो उस वक्त जिन्नात को पता चला कि ये तो फौत हो चुके हैं कब से, तो अल्लाह ताला ने उस पर वर्डिक्ट दी है कि अगर जिन्नात गैब का इल्म जानते होते तो इतनी मशक्कत में ना पड़ते। तो ये अल्लाह ताला ने अकीदे की भी इसलाह की है। दूसरा इससे ये भी अकीदा पता चला कि अंबिया के जिस्मों को अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटेक्शन देता है मरने के बाद भी। अहदीस तो बहुत मौजूद है, लेकिन जो लोग मुनकरीन हदीस हैं वो कहते हैं कुरान से साबित करें कि अंबिया के जिस्म सलामत रहते हैं, तो सर यहां से साबित होता है। और तीसरी बात ये भी पता चली कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो अपने बंदों के अकीदों की इस्लाह के लिए इस तरह के वाकयात करता है ताकि वो उससे इबरत पकड़े। इसके बावजूद अगर कोई इबरत ना पकड़े तो उसकी अपनी बदबख्ती है, और वो यकीदा रखे कि अल्लाह के सिवा कोई और भी गैब जानता है। गैबी खबर लादा चीज है, वो सिर्फ अंबिया के पास आती है। और चौथी बात यह भी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जब जमीन पर आया तो कोई उनकी गुस्ताखी नहीं होगी। ये होते हैं ना तो ये कहते हैं नहीं, वो अचानक फरिश्ते नमुदार हुए, उन्होंने अपनी हथेलियों पे ले लिया जिस्म, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हुआ। तो कई एक रिजल्ट निकलते हैं, थोड़ा सा तफक्कुर करने से पता चल जाता है। अच्छा, सूरह स्वाद के अंदर 99 दुमियों का जिक्र है,
एक वाक्य हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम का, उस पर मेरा अलग से क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है। वहां पे भी डिटेल से इन दो बाप बेटा का जिक्र आया और अल्लाह ताला फरमाया हमने उनको हिकमत दी थी, जिन्नात पे उनकी हुकूमत थी, उनके हुक्म से वो बड़ी बड़ी इमारतें भी तामीर करते थे और समुद्रों में गोते लगा के चीज़ें भी निकालते थे जिन्नात, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसख़र कर दिया था। फिर सूरतुल बकरा में भी अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का जिक्र किया कि शयातीन का इंटरेक्शन अवामुन नास से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जिन्नात का उस दौर के अंदर। और उसी दौर के अंदर सूरतुल बकरा में आता है कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पे नाजिल हुए और वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और साथ बताते थे कि ये तुम्हारी आजमाइश है, सीखो ना। और वो अल्लाह ताला माता है ऐसा इल्म सिखाते थे जादू के जरिए जिससे मियां बीवी में जुदाई डाल दें, और वो साथ बोलते थे कि हम तुम्हारी आजमाइश है। जाहिर है शर भी जितना है वो अल्लाह ही ने पैदा किया ना, मिन शर मा खलक, मैं हर उस चीज के शर से तेरी पनाह में आता हूं जो तूने ही पैदा की है। तो आजमाइश के तौर पे वो हारूत और मारूत का फिर अक्सर लोग पूछते हैं जी वो हारूत और मारूत उल्टे लटके हुए हैं, ये हो गया। वो फरिश्ते थे मेरे भाई, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। वो कहते हैं किसी औरत पे वो आशिक हो गए थे और ये वो, ये सब कुछ झूठे वाकयात हैं। फरिश्ते कभी भी राय रास्ते नहीं हटते। कुरान पाक में जा बजा ये चीज़ आई है कि फरिश्ते तो सूरह तहरीम के अंदर भी आया कि वही काम करते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म देता है, उसकी सरताबी कर ही नहीं सकते। इबलीस ने इसलिए की कि काना मिनल जिन फसक अन अम्री रब्बी, वो जिन्नों में से था, सूरतुल काहफ की आयत नंबर 50 में आता है, इसलिए उसने अपने रब की नाफरमानी की, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, बाकी सब फरिश्तों ने किया था। तो ये आपको सूरतुल बकरा में इस हवाले से भी डिटेल मिल जाएगी। रहा तख्ते बिल्कीस वाला वाकया, ये सूरतुल नमल में बड़ी डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद वाकयात को जिक्र किया है 30 आयात के अंदर, आयत नंबर 15 से लेके 44 तक, मुसलसल 30 आयात में सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र खैर किया है। स्टार्ट उसी से लिया है कि वो अपने उम्मतियों से कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने हमें कसीर मखलूक पे फजीलत दी है, हमें जानवरों की बोलियां सिखा दी हैं, जिन्नात को, हवाओं को, परिंदों को हमारे लिए मुसख़र कर दिया है, अल्लाह ताला ने सारी कुदरत दी हुई थी। और वहीं पर यह भी जिक्र आता है कि उनकी फौज के लश्करों में तमाम जिन, इंसान और जानदार जितने भी हैं उनमें से हर एक की उनकी अलग फौज थी, जिस तरह आजकल आप कहते हैं ना यानी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनके पास नेवी के लिए भी जिन्नात मौजूद थे, एयरफोर्स सारे परिंदे उनके हुक्म पे मुसख़र थे, हवा उनके हुक्म से चलती थी, और इंसान भी मौजूद थे। और फिर उसी में जिक्र आता है जिसकी वजह से सूरत का नाम ही सूरह अन्नमल है। नमल अरबी में कहते हैं चींटी को। वो अपने लश्कर के समेत गुजर रहे थे तो चंद चींटियां थीं, उनकी मलका उनको कहती है, कुरान ने उसका कॉल नकल किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर समेत आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बेखबरी में वो हमें पाँव के नीचे कुचल दें। तो फिर वो चींटी बाकी चींटियों को कहती है कि तुम लोग अपने बिलों में चली जाओ। यानी चींटियों का ये अकीदा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके जितने सहाबा हैं इनको इल्म-ए-गैब कोई नहीं है, क्योंकि तभी तो कुचल देंगे ना, इल्ला ये कि अल्लाह उनको बता दे। अच्छा, आप बुजुर्गों के इल्म-ए-गैब लेके बैठे हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस चींटी की बात सुनवा दी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर मुस्कुराए और मुस्कुरा के ये नहीं कहा कि मुझे इल्म गायब है, कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने यानी मुझे ये क्वालिटी दी है कि अल्लाह ताला ने उस चींटी की बात मुझे सुनवा दी है। हर जगह आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम का करेक्टर नजर आएगा गॉड ओरिएंटेड। वैसे यहूदियों में एक ग्रोह ऐसा भी है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत करता है और बड़े बड़े उनके ऊपर स्कैंडल भी बनाए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े कट्टर किस्म के मुवाहिद थे, वो तौहीद अज़म नहीं होती ना। हर जगह आपको नजर आएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी कोई काम होता है ना अपने तो किसी कमाल का जिक्र ही नहीं करते, वो कहते हैं ये अल्लाह ने मुझे आजमाया है, अल्लाह ने मुझे दिया है ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह मुझे जांच रहा है कि मैंने, वो तो सेंटर्ड अराउंड गॉड। और यही एक मुवाहिद की निशानी होती है। और वक्त का पैगंबर तो इमामुल मुवाहिदीन होता है ना, तमाम मुवाहिदीन का इमाम होता है।
तो वो चींटी जो है ना, उसकी गुफ्तगू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन के मुस्कुराते हैं और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मुझे अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है। उसके बाद फिर जिक्र आता है कि उसी दुआ में वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा, और ये जो तूने मुझे इस तरह की नेमतें दी हैं तो मुझे इस काबिल बना के मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। यहाँ कहते हैं बुजुर्गों का कमाल है, फलां की निगाह करम। हालांकि वो कह सकते थे मेरे अब्बा जी दी दुआवां ने, उन्हों का फैज है, मैं उन्होंने ही मुरीद हाँ ना। अब्बा वो है भी था, दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, सब कुछ गॉड ओरिएंटेड है। एक पैगंबर का बाप भी पैगंबर है तो वो अपनी किसी क्वालिटी को अपने पीर की तरफ मंसूब नहीं कर रहा, जो वाकई जेन्युइन पीर है अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा। इसीलिए तो आपको कहा जाता है ना कि आप कुरान ने डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचेंगे ना। तो इसलिए तो हम कहते हैं मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। और जब तुम गौर कर लो उसके बाद एक बार ये भी कहना है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताब है। ना हम सो कॉल्ड वहाबी हैं, कोई इल्मी बात करें तो उसको कहते हैं वहाबी है, और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, हम इल्मी किताबी मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो सूरह नमल में फिर आगे चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं, अब सारे उनके कमांडर हाजिर हैं, जिन्नों का कमांडर भी है, इसी तरीके से इंसानों के कमांडर भी, सारे उनके सरदार वहाँ पे जमा है। तो जो उनकी एयरफोर्स का कमांडर था ना, वो हुदहुद था, हुदहुद एक परिंदा है जिसकी बड़ी खूबसूरत सी कलगी होती है, इसे मुर्गे की होती है, और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिंदा है। आप जाके गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखें कि अल्लाह ने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। वो उनका समझ लें एयरफोर्स का चीफ था। तो आपने फरमाया वो किधर गायब है, और फिर साथ फरमाया कि वो अपनी गैर हाजिरी की कोई जस्टिफिकेशन मुझे पेश करे, और अगर उसने कोई ऐसी जस्टिफिकेशन ना पेश की कि वो मेरे दरबार से गायब क्यों है, तो मैं उसे सजा दूंगा या मैं उसे ज़बह कर लूंगा। बस ये आप वर्डिक्ट बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद हुदहुद आ जाता है और वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करता है। अब ज़ाहिर है वो मैंने बताया कि सूरह नमल में ही आता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियाँ सिखा दी थी उनको। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि बताओ, और है सर फिर हुदहुद देखें किड्डा पक्का मुवाहिद सी। वो कहता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो आपके इल्म में भी नहीं है। भाभी नहीं था हुदहुद ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या खबर लेके आया हूं? उनका मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूं कि जिनकी हुक्मरान एक मलका है औरत, और उसका बहुत बड़ा एक अर्श यानी उसका तख्त है जिस पे वो बैठती है। अब वो आपको ना वैसे खंडरात भी उसके मिल चुके, मैं एक पिक्चर हमें मिली इंशाल्लाह, हम इसमें अटैच भी करेंगे। ऑलमोस्ट समझ लें वो कोई आज के दौर के एतबार से आप देख लें कोई 50 फिट चौड़ा और लंबाई में तकरीबन 100 फिट और ऊंचाई में भी तकरीबन 50 फिट के बराबर, मुख्तलिफ अकबाल मिलते हैं। यानी अच्छा खासा बड़ा उसका तख्त था जिसपे उसके सारे वो सरदार इर्द गिर्द बैठते थे, और वो उस पत्थर का बना हुआ बड़ा सा। उनका मैंने एक औरत देखी है, तो वो आपके इल्म में नहीं है कि वो हुकूमत कर रही है उन पर, और बड़ा उसका एक तख्त है, उसके कई सरदार हैं, और शैतान ने उनके बुरे अमाल उनकी नज़र में संवार दिए हैं। वो अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा करते हैं। सर एक हुदहुद को भी टेंशन है शिर्क की, आप जरा ये देखें। इसीलिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अंदाउल रहमानी वलदा, जो रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं, अगर ये शिर्क की तकलीफ का एहसास ये आसमान जमीन और पहाड़ों पे हो तो ये भी दब जाए इसे कि अल्लाह के लिए इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो और फिर वो कहता है कि अब हुदूद की भी आप तकरीर देखें जनाब, कि शैतान ने बुरे अमाल उनकी नजरों में संवार दिए हैं, अल्लाह को छोड़ के वो सूरज की पूजा कर रहे हैं, हालांकि अजमत उस अल्लाह की है जो जमीन और आसमान का मालिक है, इनको तो चाहिए था उसे ही सजदा करें, और इस पर आयत सजदा भी है। अल्लाह अकबर।
سبحان الملك القدوس. تو اب حضرت سلمان علیہ السلام چکے توحید کے امام ہیں, دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانا تو نہیں کہیں کر رہا تو, ورنہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, میں تو اتنی دوروں میں دیکھ سکتا ہوں, وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے. حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا, اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہیں. جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے, ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی, اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا ہو اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے, اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے, کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا, وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے, تو وہ اس خط میں تو دو ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ, بس یہ دو لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے, انہ من سلیمان, سورہ النمل آیت نمبر 30, یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے, عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے, وہ اس کو پتا چل گیا کوئی غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس, تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں, ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی, تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے, انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا, جس طرح مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھونکا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے, وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا, ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا, جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو, اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا, کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے, ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفا پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, میں سلمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے, تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائے. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس.
और वहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो एलची पहुँचते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब देते हैं कि मुझे जो कुछ अल्लाह ने दिया है तुम्हारी ये दुनिया की अकीर दौलत उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने क्या हुकूमत दी हुई है। ठीक है, तो बल्कि सूरह नमल में अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी नकल की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत देना जो मेरे बाद फिर किसी को ना मिले। और इंसानी तारीख में सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा बादशाह ना उनसे पहले को गुजरा है ना बाद में जिसको इस लेवल की अल्लाह ताला ने हुकूमत दी हो। तो वहां पे जब एलची पहुंचते हैं तो वो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं और उनको वापस कर देते हैं कि जाओ और अपनी मलका को बता देना कि अब हम वो लश्कर लेके आएंगे जिसकी ताब तुम्हारे लश्कर नहीं रख सकते, इंतजार करो हमारा। तो वहां से चले जाते हैं, वो तो चले जाते हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता होता है कि वो मुती होके ही आएगी क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि उसने ये जो डिसीजन किया है वो क्यों किया। अब ये फासला ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का है, कौम सबा आबाद थी यमन में और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलम में बैठे हुए थे बैतुल मक़दिस इलिया शाम के अंदर। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का ये फासला है, तो आप समझ लें ये फासला तय करने के लिए भी 40 से 50 दिन पैदल चाहिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उनको वापस करते हैं वहां पे जब वापस खत पहुंचता है तो जाहिर है मलका तो पहले ही उसको समझ आ गई होती है कि कोई आम बंदा नहीं है। तो मलका ये डिसाइड करती है कि मैं खुद सुलेमान के पास जाऊंगी क्योंकि उस खत में पहले में क्या लिखा था कि मुती होके मेरे पास हाजिर हो। सर ये बादशाह का आप लेवल देखें कि दूसरा बादशाह जंग भी नहीं करनी पड़ रही, सीधा वो खुद हाजिर हो रहा है। खैर इस बात को कुछ अरसा गुजर जाता है, जब उसका लश्कर आने के 3-4 दिन या कुछ दिन बाकी रह जाते हैं ना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में बैठे होते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कहते हैं कि वो जो बलका बिल्किस है वो मोती होके मेरे पास आने वाली है। उनको पता है, फीडबैक मिल जाती है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए आगाह कर दिया। तो फिर वो एक गुफ्तगू करते हैं वहां पे जहां पे वो तख्ते बिल्किस का जिक्र है और आसिफ बिन बरखिया का नाम कुरान में नहीं है, ये इसराइली रवायतों में। वो सूरत नमल की आयत नंबर है 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्कि आयत नंबर 30 में तो वो ये आ गई 38 नंबर से ऑनवर्ड, 30 तो पहले गुजर चुकी ना, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत नंबर है 38। قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين। حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے, कौन है कि जो ऐसा करे। قال عفريت من الجن, तो एक बड़ा देव हैकल जिन कहता है انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك, कि मैं आप इस महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले 3-4 घंटे की जो भी आपकी मजलिस होती है मजलिस खत्म होने से पहले पहले मैं वो तख्त आपको यहां पे ला दूंगा। अनबिलीवेबल चीज है, 2000 किलोमीटर से इतना बड़ा तख्त पत्थर का वजनी 3-4 घंटे क्या, वो तो आज भी आप अगर जहाज में मिलाएं तो 3-4 घंटे में नहीं पहुंच सकता, उसको तो लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। वइन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन, और मैं इसके ऊपर अमानतदार भी हूं, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम करूंगा और मैं ताकत भी मुझे अल्लाह ने दी है, जिन्नात को अल्लाह ने बहुत ताकत दी हुई है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी एग्री नहीं करते इस मसले में। तो फिर एक और शख्स قال الذي عنده علم من الكتاب, वहां एक शख्स बैठा होता है जिसके पास किताब में से इल्म होता है, वो कहता है انا اتيك به قبل ان يرتد اليك اليك طرفك, मैं उस तख्त को आपके सामने हाजिर कर दूंगा आपकी आंख झपकने से पहले, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में
मैं ले आऊंगा। हमारे लिए तो वही अजम करना मुश्किल है, तो ये तो खैर बहुत बड़ी चीज है। तो ये उसने दावा किया, बस ये दावा करने की देर थी और वो ले भी आया तख्त। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रा इंदहू, तो हजरत सुल्मान अलैहिस्सलाम ने जब वो तख्त वहां पर आया हुआ देखा, قال هذا من فضل ربي, उन्होंने क्या हुजूर किड्डे पहुंचे बुजुर्ग, क्या बात है, क्या साहिब करामत हो, नहीं ओमिट कर दिया, उनका ये मेरे रब का फजल है। हादा मिन फदली रब्बी, आप लिखते हैं निगाह मुर्शिद से, माँ बाप की दुआ से, और पैगंबर का कहता है हादा मिन फदली रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। क्यों है फजल? ली यबलुवनी अशकुर अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्र गुजार बनता हूं या ना शुक्रा। ये सर तौहीद है। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई अल्लाह का शुक्र करेगा तो वो भी अपने नफ्स की खातिर ही कर रहा होगा, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वमन कफरा, और जो कोई अल्लाह की नाशुकरी करे, फइन्ना रब्बी गनीयुन करीम, तो मेरा रब तो गनी है, करीम है, उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हाज़ा मिन फ़ज़्ली रब्बी। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि वो मलका जब आई, हजरत सुल्मान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना इस तख्त की हैत बदल दो, डिजाइनिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर दो, जो उसके ऊपर कोई फूल बूटे लगे हुए थे थोड़ा सा इसे टेंपर करो, और मैं देखूंगा कि वो पहचानती है अपने तख्त को नहीं कि नहीं पहचानती। तो वो फिर मलका वहां पे आ पहुंचती है, तो सुल्मान अलैहिस्सलाम उसे रिसीव करते हैं और कहते हैं इस तख्त के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो वो बड़ी समझदार होती है, तो वो कहती है ये तो लगता है कि ये मेरे तख्त ही है, उसकी मिसल मुझे लग रहा है, बल्कि शायद वही है। तो ये उसकी समझदारी का भी सबूत है कि वो उसको टेंपर्ड फॉर्म में भी पहचान लेती है। और ये उसको दूसरा मैसेज मिल जाता है, उन्होंने क्या लड़ना है, उसने कहां से लड़ना है, वो तो ये भी नहीं थी एक्सपेक्ट कर सकती कि चार महीने में भी कोई उठा के यहां ला सके। अभी तो उसको ये पता ही नहीं था, ये तो ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो फिर सुल्मान अलैहिस्सलाम उसे अपने जो टेम्पल है ना उसकी भी थोड़ी झलक करवाते हैं। आगे एक महल में जब लेके आते हैं कमरे में, तो उसमें ऐसे शीशे जड़े हुए होते हैं कि वो गोया देखने में तालाब महसूस हो रहा होता है। तो जब उस पर पांव रखने लगती है, वो समझती शायद पानी वाला तालाब है, तो वो अपने जो तहमद है या जो भी उसने कपड़े पहने होते हैं वो थोड़ी सी उठा लेती है, उसकी पिंडलियां भी नंगी हो जाती हैं, वो समझती है पानी है, तो पानी नहीं होता, तो वो इंप्रेस होती है। और फिर वो वहां पर कहती है कि मैं सुल्मान के साथ अपने रब के सामने सर तस्लीम खम करती हूँ, जो मैं शिर्क करती रही मैं अल्लाह की तरफ रुजू लाती हूँ, और वो इस्लाम कबूल करती है। बाकी इसराइली रवायतों में फिर मिलता है कि सुल्मान अलैहिस्सलाम का निकाह उसके साथ होता है। कुरान ने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, कुरान तो बस कंक्लूड इस पे करता है कि वो मुसलमान हो जाती है, ना वो बरेलवी होती है, ना देवबंदी होती है, ना अहले हदीस होती है, ना शिया होती है, बल्कि मुसलमान हो जाती है। और आप ये अल्फाज देखें जनाब, मुसलमान मुसलमान ही है हर तरफ। हाँ, قالت ربي اني ظلمت نفسي, वो कहती है मेरे रब मैं अपनी जान पे जुल्म करती रही इससे पहले, واسلمت مع سليمان لله رب العالمين, और मैं सुलेमान के साथ सर तस्लीम खम रख करती हूँ उस रब के सामने, अल्लाह के सामने जो सारे जहानों का पालने वाला है, मैं सर तस्लीम खम करती हूँ, मैं मुस्लिम होती हूँ। तो वो अपना आप अपने रब के हुजूर सर तस्लीम खम कर देती है। तो ये वाकया यहाँ पे मुकम्मल हुआ।